मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में सेकंड एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सेक्शन कटिंग कैसे करते हैं, उसको स्टेनिंग कैसे करते हैं, उसका माउंटिंग कैसे करते हैं और माउंटिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर कैसे ऑब्जर्वेशन देखते हैं या किस तरीके से उसका विजुअलाइजेशन होता है, वो इस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या क्या लगने वाला है। नाउ अब आपको देख लेंगे रिक्वायरमेंट्स में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज क्लोव जो होती है, क्लोव मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है। ये लॉन्ग है, आपके सामने दिख रही है, इसका हम टीएस लेने वाले हैं। ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर हम हमारा जो सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन वो हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। और ये जो आपको दिख रही है छोटी सी, ये कवर स्लिप है जो माउंटिंग के लिए यूज की जाने वाली है। इसके साथ में नीडल आपको लगने वाला है, ये ब्रश है ये लगने वाला है, ड्रॉपर लगने वाला है और उसके साथ में स्टेनिंग एजेंट्स में हम इस्तेमाल करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ क्लींजिंग एजेंट। ये सेक्शन को क्लीन करने का काम करता है। उसके बाद में हम यूज करते हैं फ्लोरोग्लिसिनॉल। ये जितने भी जाइलम फ्लोएम में लिग्निन कंटेनिंग टिश्यूज रहते हैं उसको स्टेन करने का काम करता है ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस फ्लोरोग्लिसिनॉल जब भी साथ में मिक्स होंगे तो लिग्निन जो है वो पिंक कलर से हमको शो करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ही हमने इस सेक्शन में डाल दिया है तो हमको यहाँ पर ग्लिसरीन वाटर का मिक्सचर जो है वो हमको एक ड्रॉप ऐड करना पड़ता है और ये कवर स्लिप उसके ऊपर रखकर कवर कर देनी पड़ती है। एंड पूरी स्लाइड रेडी होने के बाद में इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंदर में हम यहाँ पर विजुअलाइज करते हैं और सेक्शन को देखते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट का सार मैंने बता दिया है। स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ में। ये क्लोव बर्ड है जिसको मैंने पहले से बॉइल कर लिया है, ठीक है। बॉइल करने का फायदा ये है कि ये जल्दी से कटती है। अब जिस तरीके से मैंने पकड़ा है, राइट हैंड साइड में आपको ब्लेड पकड़नी है और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ड्रग पकड़नी है। जैसे क्रूड ड्रग हमने यहाँ पर क्लोव ली है तो क्लोव को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ा है। ये दो फिंगर्स देखिए, थम और जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है उसके बीच में हमने उसको इस तरीके से पकड़ा। राइट हैंड साइड में हमने ब्लेड पकड़ी है और इस तरीके से मैं इसका बारीक सेक्शन कट करने जा रही हूँ। संभाल के करना है आपको, ब्लेड को काट, ब्लेड से अपना उंगली नहीं काटना है, ठीक है। जैसे ये मैंने कट किया, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मेरा एक या दो बारी में ही मेरा थिन सेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया है, ठीक है, और ये थिन सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है थिन सेक्शन। अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगी, देखो एक ड्रॉप मैंने जैसे आपको बताया क्या लेने वाली हूँ। सबसे पहले एससीएल जो है ये क्या करता है, आपके सेक्शन को क्लीन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये एससीएल है, मैं हल्के से यहाँ पर ले रही हूँ, एक ड्रॉप ले रही हूँ। आप लोग इस तरीके से पलटा कर नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा कोरोजिव होता है। मैंने देखो एक ड्रॉप बोला, मैंने एक ही ड्रॉप किया है, प्रैक्टिस से मेरे हाथ से ऐसा है। आपको ड्रॉपर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हो गया, एससीएल मैंने डाल दिया। नाउ एक ड्रॉप मैं यहाँ पर डालूंगी, क्या डालूंगी नेक्स्ट, मैं क्या डालने वाली हूँ, देखो मैंने बताया था आपको, नाम भी लिखा है, फ्लोरोग्लिसिनॉल डालूंगी, ठीक है। फ्लोरोग्लिसिनॉल क्या कर रहा है, ये एक ड्रॉप फ्लोरोग्लिसिनॉल डाल दिया है, इसने स्टेन कर दिया। जाइलम फ्लोएम में क्या है, इसमें टिश्यूज है, सेक्शन में क्या है, टिश्यूज है। टिश्यूज का के बने जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में क्या रहता है, लिग्निन। जब ये लिग्निन फ्लोरोग्लिसिनॉल और एससीएल के साथ कंबाइन होता है तो आपको ये पिंक कलर से विजुअलाइज होता है। स्टेनिंग करना क्यों जरूरी है, जब अगर हमको सेल्स और टिश्यू अलग अलग कलर से दिखेंगे ही नहीं तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, और उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए आपको स्टेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हो गई अगली स्टेप। अब अगली स्टेप में क्या करना है, इसके बाद में हम ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं। तो एक ड्रॉप ग्लिसरीन जो है ना, यहां से मैंने इसको इस तरीके से यहां पर डाल दिया है, देखो थोड़ा सा रुक गया, हाँ एक ड्रॉप आ गया है। नाउ अगली स्टेप ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये जो स्लाइड होती है, स्लाइड में मैंने कवर स्लिप रखा है। ये कवर स्लिप है, आपका जो भी ग्लिसरीन है वो डायरेक्ट आप माइक्रोस्कोप में नहीं रखेंगे, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, कवर स्लिप से कवर करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माउंटिंग। ये ऐसे आपने रखा कवर स्लिप, यहाँ पे नीडल पकड़कर ही रखनी है आपको और धीरे से नीडल को बाहर निकालना है धीरे से, ठीक है। और इस तरीके से वो आपका जो टीएस है ट्रांसवर्स सेक्शन है वो यहाँ पे फोकस हो जाएगा और फोकस होने के बाद आप यहाँ पर स्टेज पर वो रख देंगे और यहां से माइक्रोस्कोप के अंदर में आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको डिफरेंट सेल्स और टिश्यू दिखेंगे। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले तो सेक्शन कैसे कट करना वो दिखाया आपको, सेक्शन कट करने के बाद में आपको स्टेनिंग कैसे करते हैं वो दिखाया, और स्टेनिंग के बाद माउंटिंग मतलब कवर स्लिप कैसे लगाना, और फिर सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे ऑब्जर्व करना वो हमने आज सीखा। थैंक यू।